समय के बारे में, मतलब टाइम मैनेजमेंट के बारे में और कुछ बताना चाहूँगा। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन की तज्ञों, महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। लोगों को समय पुरता नहीं है, बहुत ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस है और काम पूरा होता ही नहीं है, ऐसी बहुत लोगों की कंप्लेंट रहती है। लोग बोलते कि नहीं नहीं मेरे पास में लोग ही नहीं है, मेरे को अकेला काम करना पड़ता है। तो नेचुरल है, यदि आपके पास में लोग नहीं है, यदि आपको अकेला काम करना पड़ता है, यदि आपको हर काम खुद ही करेंगे तो आपको समय पूरेगा ही नहीं। आपको यदि कोई बड़ा काम करने का है तो आपको लोग लगेंगे, आपको टीम लगेगी। फिर लोग बोलते हैं, हाँ इसका मतलब ऐसा है क्या कि मुझे लीडर बनना पड़ेगा? बोला हाँ लीडर बनना पड़ेगा, टीम लीडर बनना पड़ेगा, मगर टीम लीडर में आपके पास में सिर्फ फॉलोअर्स होना जरूरी नहीं है। लोग क्या बोलते हैं, मेरे पास में फॉलोअर्स है, मतलब काम करने वाले लोग। तो काम करने वाले यदि लोग होंगे तो कोई काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि फिर उनको आपको मॉनिटर करना पड़ेगा, उनके पीछे लग लग के काम करना पड़ेगा, उनको हर बार काम बताना पड़ेगा। तो वो आपके टीम में यदि लोग होंगे जिनको आपको वहाँ खड़े रह के काम करवा के लेना पड़ता है, तो आपका काम डेफिनेटली बढ़ेगा नहीं, बड़ा काम नहीं कर पाओगे। मगर यदि आपके पास में ट्रेंड लोग हैं तो ज़रूर होंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि लीडर्स आर नॉट दोज पीपल, दोज हैव फॉलोअर्स। वो लीडर लोग नहीं कि जिनको फॉलोअर्स है, लीडर वो लोग हैं कि जिनके आजू बाजू में लीडर्स खड़े हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आपके लीडर्स तैयार करने पड़ेंगे। आजू बाजू में आपके इधर उधर लीडर्स है, और लीडर ऐसे है कि जो इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले सकते हैं। आप वहाँ नहीं भी हो तभी वो आपके इतना ही डिसीजन लेंगे, और डिसीजन का जो भी दुष्परिणाम परिणाम होगा उसको फेस करेंगे। और उतने अधिकार आपने उनको दिए हुए हैं, उतनी जिम्मेवारी आपने उनको दी हुई है। होता क्या है कि आप उनको जिम्मेवारी देते हो और वहाँ फेल हो गया तो उसको फिर डांटते फटकारते हो। आपको क्या करना है, जिम्मेवारी देना है। जिम्मेवारी देने के बाद में जो भी नुकसान हुआ, फ़ायदा हुआ, उसके लिए मैं जवाबदार हूँ, आप काम करो। इस तरह से आप उनको ट्रेनिंग देंगे तो लोग रिस्क भी लेंगे, आपके पास के जो लोग हैं वो रिस्क भी लेंगे, काम भी करेंगे। हो सकता है कि एक दो बार फेल हो जाएंगे, हो सकता है कि नुकसान हो जाएगा, मगर कम से कम उनकी डेयरिंग बढ़ेगी, इंडिपेंडेंटली काम करना चालू करेंगे। और इंडिपेंडेंटली काम करना चालू करते हैं तो बहुत बड़ा यश, बहुत बड़ी सफलता आपको मिलेगी, क्योंकि आपके पास में अभी फॉलोअर्स नहीं है, अभी आपके पास में लीडर्स है। तो क्रिएट लीडर्स अराउंड यू। लीडर वही आदमी होता है कि जिसके सराउंडिंग में लीडर्स है, जिसके फॉलोअर्स है वो लीडर नहीं होता। महात्मा गांधी के आजू बाजू में बहुत ही लीडर्स लोग थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, मोतीलाल जी नेहरू थे, काफ़ी सारे मतलब लोग ऐसे थे कि जो उनको उनके कंधे को कंधे मिला के, लाल बहादुर शास्त्री होंगे, तो ऐसे काफ़ी सारे लोग थे कि जो कंधे को कंधे लगा के उनके इतने पावरफुल लोग थे, और तब वो फ्रीडम फाइटिंग कर सके, निर्णय ले सके और बहुत बड़ा काम वो खड़ा कर सके। तो आज से ये आपको निर्णय लेना है कि मेरे पास में फॉलोअर्स नहीं है, ऑर्डर्स लेने वाले लोग नहीं है, ऑर्डर लेने वाले लोग लेके काम नहीं होता। मैं ऑर्डर करूँगा, ऑर्डर लेंगे, काम करेंगे, ऐसा नहीं होगा। लीडर्स होंगे कि जो खुद होके काम तैयार करेंगे, खुद होके जिम्मेवारी लेंगे, रिजल्ट्स प्रोड्यूस करेंगे और अच्छे से अच्छा एक्सलेंस काम में लाएंगे, वो लीडर होते हैं। यदि आपके पास में लीडर्स है तो आप फ्री रहेंगे, आप फ्री रहेंगे तो आप नया कुछ तो भी सोच सकेंगे। मैं नया क्या कर सकता हूँ, नया धंधा कैसे ला सकता हूँ, नया धंधा कैसे बढ़ा सकता हूँ, धंधे में नया क्या कर सकता हूँ कि धंधा बढ़ेगा, घर में मैं क्या नया कर सकता हूँ, बच्चों के लिए क्या, मतलब ज़िंदगी के लिए क्या कर सकता हूँ, ऐसा सभी संभव है यदि आपके पास में फ्रीडम है टाइम का। तो टाइम का फ्रीडम तभी मिल सकता है जब आपके पास में लीडर्स है। आप ऐसा बोलेंगे कि मैं सब काम करूँगा तो फिर नहीं होगा। ऐसा नहीं होता है कि समझो कोई गायक कलाकार है, तो गायक कलाकार आपके शहर में, आपके सिटी में उसने बहुत बड़ा शो करने वाला है, वो तो ऐसा नहीं होगा कि वो आएगा, वो पेपर में एडवर्टाइजमेंट देगा, वही पर्दा ऊपर उठाएगा, वही घंटी बजाएगा, वही टिकट बिक्री करेगा, वही एडवर्टाइजमेंट करेगा, वही लोगों को काम पे लगाएगा, कुछ भी नहीं करेगा। वो क्या करता है, समझो बहुत बड़ा गायक कलाकार है, वो क्या करेगा, सिर्फ वो गायन का काम करेगा, गाने का काम करेगा, बाकी जो है वो उसकी टीम रहेगी। तो इसका ही मतलब ये हो गया कि आप जो बाकी एक्टिविटी जो है, जो बाकी भी लोग कर सकते हैं,
बाकी लोग कर सकते हैं, आपको करने की जरूरत नहीं है। तो वो लोगों के ऊपर काम सौंपा दो, उनको वो करने दो, आप वही काम करो कि जो काम में आप बेस्ट हो, जो काम में आप बहुत बड़ा रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हो वो काम आप करो, बाकी सब लीडरों को दो, उनको काम करने दो और वो ग्रोथ करेंगे। अभी इतना ही है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, बेल का आइकॉन आएगा उसके ऊपर क्लिक करो, ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्दी और पहले आ जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।